साउथ अफ्रीका ने अपना वर्ल्ड कप का स्क्वाड अनाउंस कर दिया। एडन मार्करम इनके कैप्टन होंगे, टेम्बा बबूमा को इन्होंने खत्म कर दिया। इस दफा इसी के साथ साथ टीम के अंदर बैटमैन होंगे, गैरल कोर्जिया होंगे, क्विंटन डिकोक होंगे, बियोन होंगे, रीजा हेंड्रिक्स है, मार्को जनसन है, हेनरिक क्लॉसन है, डेविड मिलर है, केशव महाराज है, एनरिक नोकिया, कगिसो रबादा है, रियान रिकेल्टन है, तब्रेज शमसी है, ट्रिस्टन स्ट्रब है और ट्रेवलिंग रिजर्व के अंदर बर्जर है एंड लुंगी एंड गिडी है। तो ये साउथ अफ्रीका के आपको 17 रुकनी स्क्वाड नजर आ रहा है। 15 जो होंगे वो वर्ल्ड कप का पार्ट होंगे और जो दो खिलाड़ी हैं वो ट्रैवलिंग रिजर्व के अंदर रखेंगे, इन केस कोई इंजरी हो जाए तो फिर ये खिलाड़ी आएंगे। ये साउथ अफ्रीका का स्क्वाड है। पाकिस्तान का जो वर्ल्ड कप का स्क्वाड है वो 1 मई को अनाउंस होने जा रहे हैं, यानी कल के दिन। इसी के साथ साथ मोहम्मद हारिस, जिसके बारे में चर्चे हो रहे हैं कि मोहम्मद हारिस को 4 महीने से निगलेक्ट किया जा रहा है, टीम का पार्ट नहीं बनाया जा रहा, मोहम्मद हारिस का वीजा सबमिट करवा दिया गया एम्बेसी के अंदर, अमेरिकन एम्बेसी के अंदर पाकिस्तान की तरफ से 21 खिलाड़ियों के जो वीजे थे ना उनके जाने से, जिसमें से बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, इमाद वसीम, आजम खान, ये वो खिलाड़ी हैं जिनके ऑलरेडी अमेरिका के वीजे लगे हुए हैं, तो इनके नहीं लगे। बाकी जितने भी खिलाड़ी थे ना 21 के अंदर जो शामिल थे, उन सबके जो वीजे हैं वो अमेरिकन एम्बेसी के अंदर चले गए। मोहम्मद हारिस का भी वीजा गया, इसका मतलब यह कि मोहम्मद हारिस आयरलैंड और इंग्लैंड वाली जो सीरीज होगी इसका पार्ट होंगे, और उसके बाद जिस परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर जो 15 खिलाड़ी जाने हैं उनको डिसाइड किया जाएगा। लेकिन अलबत्ता पाकिस्तान के जो 15 रुकनी स्क्वाड है वो कल अनाउंस हो जाएगा। इसी के साथ साथ आयरलैंड वाला और इंग्लैंड वाला भी स्क्वाड अनाउंस हो जाएगा और ट्रैवलिंग रिजर्व भी अनाउंस कर दिए जाएंगे। तो लेट्स सी, देखते हैं मोहम्मद हारिस अपनी जगह बना पाते हैं कि नहीं। फिलहाल तो लग रहा है कि मोहम्मद हारिस वर्ल्ड कप के लिए तैयार है।